सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी है, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। साथ में बाप पूछ रहे हैं, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं। बाबा कहते हैं, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर बनाते हैं। बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी, इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेक अनेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, यहां तो बिल्कुल उनसे अलग ही है। यहां तुम किसी के सामने बैठे हो। किसके सामने? डबल बाप और मां। वहां तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहां बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है, इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहां तो ऐसा कोई संबंध नहीं है, ना कोई वहां फॉलोअर्स ही है। वो तो है निवृत्ति मार्ग, उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है, रात दिन का फर्क है। यह भी तुम जानते हो, लौकिक बाप से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख का जन्म के लिए मिलेगा, फिर नई बाप से, हाँ नया बाप से नई बातें। यहां तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है, फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी अलौकिक बाप है, वंडरफुल है, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं, बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजापिता, यह कोई एक का पिता नहीं है, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते, लौकिक संबंधों में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसा ना लौकिक को ना पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता है। यह सब बातें बाप वेट समझाते हैं, भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है। बाबा कहते हैं, वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है। कहां? सतयुग में। सतयुग में, नवयुग में, स्वर्णिम युग में हमारी आयु बहुत बड़ी होती है। नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, सूक्ष्म में तो यह बात होती नहीं है, सो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है। यह भक्ति मार्ग की बातें,
जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गोपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ये डीप हम करते हैं बेहद का बाप, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है। ठीकर भीतर में कणकण में है, अपने से भी जास्ती ग्लानी करती है। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूं बाबा कहते हैं, मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं, नहीं औरों को बनाने का रहता है। इसी को कहा जाता है निष्काम सेवा। बाबा कहते हैं तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहां योग लगाएंगे, बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया फिर से भारत को स्वर्ग बनाने, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो, मैं तुमको पूजनीय बनाता हूं। कल की बात है तुम कितनी पूजा करते थे, तुमको अपना राज्य भाग्य दिया सब गवा दिया और फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। कब किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा यह है देवी गुण वाले देवताएं है तो मनुष्य, कोई 80-100 फुट लंबे तो है नहीं। ऐसे तो नहीं कि उन्हें की आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होने पड़े। भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझ मामिकम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वो सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है वहां दान करो। अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है, मनुष्य पैसा डालते हैं पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हैं, बाप को देते क्या हो, कुछ भी नहीं। बाप तो दाता है, बाप लेता नहीं देता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीब को देते थे, गोया पतितों को देते थे, तुम भी पतित लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित पतित को दान करते हैं, कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है, ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ है, सत्यु का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले क्या थे बेसमझते। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बात है, उनसे मेरे कोई को पाते नहीं। मैं जब आता हूं तभी आकर सदगति करता हूं सभी। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, आखिर वो दिन आया आज। भगत ने आधा कलप भक्ति में याद किया अब आखिर मिला। अभी ज्ञान जिंदाबाद है, सत्ययुग जरूर आना है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाबा में मिला है, हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है, निरंकारी होकर रहना है।
मैसेंजर पैगंबर बन बा सबको बाप का पैगाम देना है। आज बाबा वरदान दे रहे हम बच्चों को सर्व पदार्थों की अशक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जित भद्र हुआ। बाबा कहते हैं अगर कोई भी पदार्थ कर्मिंदियों को विचलित करता है अर्थात असक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छा यही अशक्तियों का रूप है। कोई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है तो यह भी सूक्ष्म अशक्ति है। इसी के महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनाशक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ो बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं प्रकृति जीतात्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।